मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स, आई एम शिवम सक्सेना, योर पॉलिटिकल साइंस टीचर. इन द प्रीवियस मॉड्यूल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इफेक्ट ऑफ द वॉर. एज आई टोल्ड अबाउट द वाइमर रिपब्लिक्स फेस द मोस्ट इफेक्ट ऑफ द वॉर एंड इन जर्मनी देर वॉज अ इनस्टेबिलिटी, ए पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी. एंड फॉर रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द इकॉनमी, द जर्मनी द वाइमर रिपब्लिक स्टार्ट प्रिंटिंग पेपर मनी रेक्टली. दैट क्रिएट्स अ बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड दिस मेक अ प्रॉब्लम ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन. दिस ऑल वी हैव डिस्कस्ड. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ईयर ऑफ डिप्रेशन. डिप्रेशन का जो ईयर था जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई जर्मनी में, वो ईयर रहा 1924 से 1928. ये ईयर ऑफ डिप्रेशन के सॉ सम ऑफ द स्टेबिलिटी येट इट वॉज बिल्ड ऑन सैंड. जर्मनी वॉज टोटली डिपेंडिंग ऑन द शॉर्ट टर्म लोन लार्जली फ्रॉम द यूएसए. ठीक है, यानी अब जर्मनी जो था वो पूरी तरीकों से यूएसए से जो लोन मिलता था उस पर डिपेंड हो गया था. ठीक है, द सपोर्ट वॉज विदड्रॉ विद द क्रैश ऑफ 1929 ऑफ द वॉल स्टिक एक्सचेंज. देखिए, अब जो लोन देता था यूएसए जर्मनी को सपोर्ट करने के लिए, वो 1929 में जो वॉल स्टॉक्स की क्रैश हुआ, यानी जो एक्सचेंज रेट बहुत तेज़ी से गिरे, उसकी वजह से वो सपोर्ट लेना बंद कर दिया. ठीक है, किसने? यूएसए ने जर्मनी को वो सपोर्ट देना बंद हो गया. द जर्मन इकॉनमी वॉज हिट बैडली, इट लेड अ सोशल अनरेस्ट एंड द मिडिल क्लास एंड द वर्किंग पॉपुलेशन वर फिल्ड विद द फियर ऑफ प्रोलेटेराइनाइजेशंस. ठीक है, द वाइमर रिपब्लिक्स एंड डिफीट्स. अब आएगा वाइमर रिपब्लिक कैसे डिफीट्स किया गया था. देखिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आर्टिकल 24 गेव द प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पोज इमरजेंस, सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल्स बाय डेस्क्री. ठीक है, अब क्या है, वाइमर रिपब्लिक डिफीट की गई और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम को चलाया गया. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव यानी पीआर रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम क्या होता था कि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले उस वो पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी. अभी क्या होता है, जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, जैसे हमारी इंडिया है, इंडिया में आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम नहीं चलता है. यहाँ पे क्या चलता है, फर्स्ट FTPT वाला पास्ट सिस्टम. लेकिन वहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम स्टार्ट हो गया और एक आर्टिकल मेंशन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में जो था आर्टिकल 48, और उसने क्या किया, प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पोज इमरजेंसी, यानी प्रेसिडेंट को इमरजेंसी की पावर दे दी, सस्पेंड सिविल राइट्स, और लोगों के सिविल राइट्स को सस्पेंड करने की परमिशन मिल गई, और द रूल फॉर डेस्क्री, यानी किसी भी लेवल पे अपने ऊपर रूल करने के लिए. अब देखिए, राइज ऑफ हिटलर इन द पावर. हिटलर वॉज वॉट, अब बेसिकली वील डिस्कस अबाउट वॉट हु वॉज हिटलर एंड वॉट आर द प्रोपोगंडा ऑफ द हिटलर. सी, हिटलर वॉज बॉर्न इन ऑस्ट्रिया इन 1869. इसको नोट कर सकते हैं आपकी 1889 में, सॉरी, हिटलर जो था वो ऑस्ट्रिया में बॉर्न हुआ था. अब हिटलर एक था क्या, कौन था, कैसे वो नाजी पार्टी का हेड बना, दैट ऑल वी विल डिस्कस. ही अर्नड मैनी मेडल्स फॉर द ब्रेवरी ऑफ द हिज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. देखिए, ही वॉज जस्ट अ सोल्जर ऑफ इन आर्मी. वो एक आर्मी का जनरल था बाद में, लेकिन पहले वो एक सोल्जर था. तो उसने बहुत से मेडल जीते थे कि बहुत सी लड़ाइयों को जीतवाने के लिए. द जर्मन डिफीट हॉरीफाइड हिम. लेकिन जब जर्मन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया तो वो बहुत ज़्यादा हॉरीफाइड हो गया. ये फोटो है हिटलर का. ठीक है, द ट्रिटी ऑफ वेसल्स मेड हिम फ्यूरियस. ही ज्वाइन द जर्मन वर्किंग पार्टी. देखिए बहुत ध्यान से, जो नाजी पार्टी थी उसका पहले नाम था जर्मन वर्किंग पार्टी. जो ट्रिटी हुई थी वाइमर रिपब्लिक के बीच में, मैंने बताया था इसमें कंपेंसेशन और बहुत सारी चीज़ों को कब्जा कर लिया था, उससे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ था और उसने क्या किया, जर्मन वर्किंग पार्टी को ज्वाइन किया. ही रीनेम्ड इट अ नेशनल सोशलिस्टिक जर्मन पार्टी, लेटर द नाजी पार्टी. जो एक पार्टी थी जर्मन वर्किंग पार्टी, उसको उसने फ्यूचर में रीनेम किया, और रीनेम करके उस पार्टी का नाम क्या रखा गया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्किंग पार्टी. ठीक है, और बाद में उस पार्टी का नाम क्या हो गया, नाजी पार्टी. नाजिज्म बिकम अ मास मूवमेंट ओनली ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन. अब जब ग्रेट डिप्रेशन की सिचुएशन चल रही थी, हर इंसान इकोनॉमिक प्रॉब्लम को झेल रहा था, जो वहाँ की वाइमर रिपब्लिक पार्टी थी वो पूरी तरीकों से ठप हो गई थी गवर्नमेंट, सो किसी के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था. इलेक्शन होने का मतलब था कि दूसरी पार्टी आना, क्योंकि वो पार्टी जो थी वो पूरी तरीकों से ठप हो चुकी थी. तो ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पर मास मूवमेंट किए इन्होंने,
और द नाजी प्रोपोगंडा स्टायरिंग्स होप फॉर द बेटर फ्यूचर, और ये अपने प्रोपोगंडा को लेकर चलते थे। तो इनका प्रोपोगंडा क्या सोचता, देखिए जनरल पब्लिक वॉज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, पैसे की प्रॉब्लम फेस हो रही थी। अब पैसे की प्रॉब्लम फेस होने की वजह से क्या हो रहा था, जो जनरल पब्लिक थी उसके पास सेकेंड ऑप्शन था, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन उसके पास सामने था जिस पे वो फेस कर रही थी। जैसे जो गवर्नमेंट थी वो वाइमर रिपब्लिक की थी, दूसरी ऑप्शन क्या था, नाजी पार्टी। तो नाजी पार्टी का जो प्रोपोगंडा था वो लोगों के बीच में एक होप जैसा था कि इन फ्यूचर दे माइट गेट बेनिफिट। अब देखिए हिटलर वॉज अ पावरफुल एंड इफेक्टिव स्पीकर, और हिटलर एक स्पीकर भी था, तो इसलिए उसने अपनी स्पीच से लोगों को कन्वे किया कि वो उसको वोट दें, और उसको वोट देने के बाद उस नाजी पार्टी को वहाँ का लीडर बनाए। ही प्रोमिस द पीपल टू स्ट्रॉन्ग नेशंस वेयर ऑल वुड गेट एम्प्लॉयमेंट, और उसने लोगों को प्रोमिस किया कि वो क्या करेगा, नेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा, और इतना स्ट्रॉन्ग करेगा कि हर एक बंदे को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। हिज पॉलिटिक्स इंक्लूड द सिग्निफिकेंट रिचुअल एंड स्पेक्टिकल ऑफ इन द मास मोबिलाइजेशन, ठीक है। तो ये हिटलर क्या करता था, अपनी पार्टीज के प्रमोशंस के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता था, और वो लोगों को बहुत सारे प्रॉमिस करता था, लेकिन रीज़न ये था कि द पीपल वॉज नॉट हैविंग एनी अदर ऑप्शन। हिटलर अंडरस्टूड दैट द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिचुअल्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ द मास मोबिलाइजेशन, ही यूज अ स्वास्तिक सिंबल। देखिए उसने क्या किया, उसे पता चल जाता है कि जो सिग्निफिकेंस है मास मूवमेंट के लिए वो बहुत ज़रूरी है, तो ये जो सिंबल्स थे उसने यूज़ किए, जैसे स्वास्तिक सिंबल यूज़ किया, इन सारी चीज़ों को उसने बेसिकली क्या किया, यूज़ किया मास मूवमेंट्स के लिए, ठीक है। हिटलर ने जैसे स्वास्तिक सिंबल, रेड बैनर, पैम्पलेट्स एंड रिचुलाइज्ड द राउंड्स ऑफ द एपोलॉजी एंड द ग्रेट इफेक्ट ड्यूरिंग द मैसिव रैलीज, इन सब जो सिंबलाइजेशन है वो सब किया। अब नाजी का जो प्रोपोगंडा था स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर्स एज ए मैशिस और अ सेवियर, यानी वो एक भगवान का दूत मान के, या ऐसा नाजी का जो प्रोपोगंडा था यानी जो उनका पूरा सिस्टम था वो कुछ ऐसा प्रेजेंट हो रहा था कि भाई जर्मनी के लिए एक देवदूत आया है, ठीक है। तो इस वजह से ये सब चीज़ें जो थी जिसकी वजह से हिटलर्स को वोट मिले, और हिटलर ने वहाँ पर अपनी नाजी पार्टी को एस्टैब्लिश कर दिया, ठीक है। और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डिकंस्ट्रक्शंस ऑफ द डेमोक्रेसी। थैंक यू।